हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने जा रहा है। मैं आज 4 बजे सो के उठी हूँ और रात को मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की हुई थी, अभी मैंने लिया है शावर। अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो है हम बाजार जाएंगे और देखते हैं मेरा आज का व्लॉग कैसा रहता है। ओके, मिलते हैं आपसे मार्केट में जाके और ब्रेकफास्ट भी दिखा देती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ। यस, बोले अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, बोले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हीरा मामा की यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? हीरा मामा की यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आप सबने मेरी मामा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्पाइक करना है। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरी छोटी सी जान है, तो मिलते हैं आपसे व्लॉग में। और ये मुझे प्यार से मामा बोलते हैं ना अर्शु। आपकी रियल वाली मामा कौन है? आप। मैं अलियान, आप भी आ जाएं। आज चिंटू और मिंटू। चिंटू नहीं, आलियान। अच्छा आलियान। तो गाइस आलियान जरा बोले हीरा मम्मा। हीरा मम्मा। अच्छा आपकी मम्मा कौन है? मम्मा। कौन है मम्मा? हीरा। गाइस इनके एक्सप्रेशंस देख लें आप लोग, बहुत ही नोटी हैं ये दोनों भाई, बहुत ही नोटी। इन दोनों में मेरी जान बसती है। और इनकी मम्मा जो है ना साइफा मम्मा है ना? बहुत ही नोटियाँ मिट्टी कर दिया मुझे जल्दी से। फोरहेड पे और आराम से फोरहेड पे कर फोर। तो गाइस ये बहुत ही नोटी है, इसकी आंखें बहुत शरारती है। अभी जो है हम तिलों वाला नान और साथ में बहुत ही मजे के जो है पाए, इसका नाश्ता करेंगे। साथ में है हमारे पास मीठी लस्सी। आज जो है मेरा बहुत दिल कर रहा था पाए खाने का, मेरे फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है पाए, और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। वाह, चलो अभी जो है मैं अपना नाश्ता शुरू करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है और मैं बीमार हूँ, तो मैं ये वाली मेडिसिन ले रही हूँ, लेफलॉक्स और निम्स। तो मेडिसिन भी मैंने ले ली है और सीरप पीना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए वैसे तो। मैंने मेडिसिन तो सच में खा ली है, तो मेरा सिरप रहता है तो वो मुझे सिरप लगता है पीकर ही जाना चाहिए। सिरप पी लेते हैं फिर निकलते हैं घर से। मुझे बाज़ार जाने से पहले जाना था एटीएम, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना हम एटीएम कर लें। पता नहीं मार्केट में एटीएम मशीन मिलती भी है या नहीं। गाइस मैं सफायर आई हूँ, चलते हैं अंदर, उसके बाद हम खाड़ी मूव करेंगे। कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं, ये पिंक और लाइट पैरेट, बहुत प्यारा कलर है। सो गाइज अभी मैं आई हूँ सफायर और यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सा प्रिंट पसंद आता है। कुछ तो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स लगे हुए हैं और 3 पीस या 2 पीस। मुझे मेरा मूड है, मैं दुपट्टा नहीं लेती और मुझे यह है कि मुझे 2 पीस लेना है, तो 2 पीस प्रिंटेड, तो चेक करते हैं। सारे 2 पीस लगे हुए हैं, मुझे इस तरह के डिज़ाइंस नहीं चाहिए, बहुत ही मतलब आंटियों वाले डिज़ाइंस हैं, मुझे नहीं पसंद आ रहे। सीखते हैं मामा को क्या पसंद आता है। मामा जो है ये मल्टी वाला आउटफिट देख रही हैं और नहीं मामा ये नहीं। गाइस अभी जो है मैं सफायर आई थी और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। 3 पीस और 2 पीस बहुत आंटियों वाले डिज़ाइंस हैं, तो मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं खाड़ी पे चलते हैं मामा। हाँ चलें आज, अभी जो है साथ ही है खाड़ी, तो हम उधर चलते हैं। तो हम खाड़ी के बाहर आ गए, अंदर चलते हैं। मामा अभी पापा के लिए हम लोग आउटफिट देख रहे हैं, मतलब अनस्टिच में कोई कपड़ा खाड़ी पे, अच्छी कलेक्शन है खाड़ी पे, ये डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे व्लॉग बनाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ नहीं लेना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। तो ये डिज़ाइंस अवेलेबल है इनके पास, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो मैं तो जा रही हूँ बाहर। सो गाइस मैं आ गई हूँ खाड़ी से बाहर। समझ नहीं आती कि
मतलब ब्रांड्स हैं और वहाँ पे व्लॉगिंग करना अलाउ नहीं है। सो वैसे मुझे ब्रांड प्रमोशन करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मुझे एटलीस्ट ये तो पता चला कि ब्रांड्स वाले इस तरह करते हैं। आई थिंक ऐसे ब्रांड्स का बायकॉट कर देना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ बाहर, अब जो है मैं किसी और ब्रांड पर जाऊँगी। हमारे आइडियाज़ पे 70% अप टू 70% ऑफ है, तो अंदर देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। 20% ऑफ आइडियाज़ पे हम आए हैं, और ये भी पापा के लिए देख रहे हैं, अनस्टिच स्टफ। पापा वाइट ही पहनते हैं ऑलवेज, हमेशा वाइट कलर ही पहनते हैं। हमने जो है पापा के लिए ये वाइट वाला कर लिया, ये वाला आउटफिट। ये आप नीचे काउंटर पे भिजवा दें। सो अभी जो है हमें अपने लिए तो कोई आउटफिट नहीं मिला, हमने पापा के लिए फाइनली एक अनस्टिच जो है आउटफिट करवा लिया। अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाके जो है वो बिल करवाते हैं काउंटर पर। ये है पापा का आउटफिट, इसका बिल कर दो। फाइनली चलो कुछ तो मिला, पापा का आउटफिट। ये अभी अलकरम पे आए हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। वालेकुम सलाम। और ये जैकेट कितनी प्यारी लग रही है, बट मेरे पास इसमें रियल लेदर जैकेट है, सेम ऐसी ही। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ट्राउज़र है इसके, लूज बैगी स्वेटर है, सिंपल प्लेन हुडीज हैं ये डिफरेंट कलर्स में। अलकरम पे आए हैं हम, और ये पीछे 3 पीस लगे हुए हैं, इसे मामा सेलेक्ट कर रही हैं। तो देखते हैं मामा को कौन सा ड्रेस पसंद आता है विंटर्स के लिए। एक्चुअली मामा को ये ऊपर जो वाइट ऑरेंज सा कलर है ना, ये वाला पसंद आ रहा है। तो ये सारी 3 पीस की कलेक्शन है। फाइनली अभी अलकरम से हमने मामा का जो है आउटफिट ले लिया है। अब जो है मेरे आउटफिट्स रह गए, तो मुझे तो ब्रांड्स पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। चलो शुक्र है। अभी जो है फाइनली मामा पापा के कपड़े तो हो गए हैं, मेरे कपड़े रह गए हैं, मुझे कॉल भी आ रही है। तो अब देखते हैं कि मैं कहाँ से लेती हूँ, मुझे सिंपल चाहिए, सिंपल सिंपल मुझे ज़्यादा जो है नहीं पसंद, तो ज़्यादा फैंसी आउटफिट्स नहीं पसंद। तो देखते हैं कि मैं क्या लेती हूँ। ओके गाइज, सो गाइज अभी मैं आई हूँ जे डॉट के बाहर, इनको कंप्लेन करेंगे हम, इन्होंने जो है हमें ख़राब जो परफ्यूम्स हैं वो भेजे हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये परफ्यूम्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, चेंज करवाने हैं। तो ऑनलाइन आपने ख़राब भेजे हैं, देख लें, इसमें एक मेरा परफ्यूम होगा। जे डॉट पर मैंने ये 2-3 आर्टिकल्स देखे, 2 पीस और 3 पीस, ये शलवार है और ये शर्ट है, तब ये 3 पीस हैं। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला करूँगी, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। क्या मुझे तीनों पसंद आए हैं, लेकिन ये एक बार एक करूँगी, ये वाला दिस वन। फाइनली मैंने जे डॉट से 2 परफ्यूम्स लिए हैं और 3 बॉडी स्प्रे लिए हैं और 1 ड्रेस लिया, वही वाला जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। फाइनली मैंने भी कुछ लिया। ये गाइस फाइनली मैं आई हूँ ओरिगा मार्केट, और अभी हम जाएंगे पठानों के पास और जाके जो है अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बाय करेंगे। ओके, ये सारी 2 पीस कलेक्शन है, अच्छी लग रही है। अभी मैं आई हूँ मार्केट और कपड़े पसंद नहीं आ रहे मुझे, 2 पीस चाहिए प्रिंटेड में, तो मुझे यहाँ पे भी 2 पीस नहीं पसंद आया। नीचे चलते हैं बेसमेंट में। एक ये कलर है, एक ये वाला कलर है। सो फाइनली ये जो है 3 डिफरेंट डिज़ाइंस लिए मैंने। फाइनली मैंने ओरिगा से पठानों की मार्केट से 3 आउटफिट्स बाय किए हैं प्रिंटेड, और यकीन करें इतना मुझे किसी ब्रांड पर जाके खुशी नहीं हुई जितना मुझे ओरिगा मार्केट में आके खुशी हुई है। एक जो है मैंने 2 पीस में किया है, ये शर्ट है और साथ में जो है ये दुपट्टा है। स्टॉलर पसंद आया, ऑलमोस्ट पैसे ख़त्म हो गए थे, बट ये स्टॉलर मैं कैसे मिस कर सकती थी। तो वो वाला जो है स्टॉलर वो डिफेक्टेड था, तो मैंने ये वाला करवा लिया।
प्यारा प्रिंट है, कह रहा है मुझे भी व्लॉग में लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। गाइस फाइनली मैंने ये शॉपिंग कर ली है, कुछ ब्रांड से की है, कुछ ओरिगा मार्केट से। सो गाइस आज का दिन बहुत ही मज़े का रहा, और जैसा कि हमेशा की तरह मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में ज़रूर मिलता है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस से समझ रहे ना जो हमें खार्डी और जे डॉट वालों ने मतलब व्लॉग बनाने से मतलब अलाउ नहीं है वहाँ पे ये सब। सो ऐसे एक्सपीरियंस मिलते रहना चाहिए ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंस लेना। और बहुत मज़ा आया मुझे शॉपिंग करने का, लेकिन मुझे इतना ब्रांड से शॉपिंग करने का मज़ा नहीं आया जितना मुझे पठानों वाली मार्केट से। यकीन जाने दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, बहुत मज़ा आया मुझे। सो ये है कि चीज़ें तो आप लोगों ने देख ही ली हैं, और अभी जो है हम लोग डिनर करेंगे और देखते हैं मैं डिनर में क्या खाती हूँ। ओके जो है मैं बेकरी आई हूँ, एक मिल्की ब्रेड कर दो आप। हाँ ठीक है, एक बॉटल कर दो आप। तो अभी जो है हम फीस्ट लेंगे, हमने जो है दो फीस्ट ली हैं, अब बिल करवाते हैं। तो आप ये वाले कर दो। हाँ ये वाले कर दो। मेरी बेकरी की चीज़ें भी पूरी हो गई हैं, तो अब जाते हैं घर और खाना ऑर्डर किया हुआ है। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर। उफ़ ये मेरी आज की शॉपिंग। सो गाइस मेरा डिनर भी आ गया है। हमने जो है यासिर ब्रोस से मलाई बोटी और टिक्के और साथ में नान ऑर्डर किए हैं, और ये है रायता और मेरी पिकअपल ड्रिंक कैसे भूल सकती। गाइस डिनर मेरा हो चुका है और चाय भी मेरी आ गई है, और बहुत ही मज़े की चाय लग रही है। काली चाय मुझसे कभी भी नहीं पी जाती, हमेशा चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ स्वीट्स में लेती हूँ, चाहे वो केक हो या बिस्किट। सो अभी जो है इस चाय को इंजॉय करते हैं। चाय जो है मेरी बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे ही ठंडी होती है तो इसको जो है पीते हैं। सो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।